Hello everyone, this is Lata Singh from Sraddha Smart Education. I am going to explain lesson 4, the asses that make trees bloom. Class 7th from Honeycomb book. So watch this video till the end. Let's start now. Before you did, This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये एक स्टोरी है एक ईमानदार और मेहनती बहुत ज्यादा जो हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल थे उनकी और उनके पैड डॉग की जो पालतू कुत्ता था द नेवर्स आर ट्रेवल सम एंड डॉग अ सैड डेथ जो उनके पड़ोसी थे ठीक है वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे उसके कारण क्या हुआ जो उनका कुत्ता था वो एक सैड डेथ मतलब एक दुखद मृत्यु मर गया

देअर लिव एन ओल्ड कपल हु डॉग डायमोस के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसका केवल एक पालतू कुत्ता थाविंग नो चिल्ड्रन उनके कोई बच्चा नहीं था दे लब इट एज दो इट वर अ बेबी वो उसे इस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बच्चा हो द ओल्ड डैम मेड इट अशन

ठीक डॉक का नाम क्या था मूको उसका नाम मूको था और उस पर वो जो ब्लू कलर की एक लाइट फैब्रिक की जो गद्दी बनाई गई थी क्वेश्चन तैयार किया गया था उस पर वो एक भोली भाली जैसे बिल्ली बैठ जाती है ना इस तरह से बैठ जाता था इस ना कैट ऐसा लगता था जैसे कोई कंफर्टेबल ही बैठ गया हो जैसे एक बिल्ली बैठी हुई है बिल्कुल कंफर्टेबली इस तरह से वो उसमें बैठ जाता था द काइंड पीपल फैट द पैट विद विदिविट्स ऑफ फेस फ्राम दियर ऑन चॉप स्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वो दयालु लोग उसे अपनी चॉप स्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे और अपनी पसंद ठीक है जितने चावल मतलब तो अपनी पसंद से खा सकता था उतना उसको खिला देते थे, थे बॉइल्ड राइस दस ट्रीटेड द डम्प क्रिएटर लव इक्टर्स लाइक अ बींग विद अल इस व्यवहार के कारण जो उसका व्यवहार था मतलब जो लोग उसके साथ बिहेव करते थे उसके कारण वो जो डंप एनिमल था ठीक है बिल्कुल गूंगा बहरा जानवर जो था वो अपने मतलब जो रक्षक थे ठीक है उनको अब बहुत ज्यादा दिल से चाहता था बींग विद सोल लाइक करता था बहुत ज्यादा सोल से बिल्कुल आत्मा से उनको चाहने लगा था द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर थ हो और स्पीड इन टू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड दिल्स चूँकि जो ओल्ड मैन था बूढ़ा आदमी जो था वो चावल उगाने वाला किसान था और हर रोज वो अपनी हो और स्पेड के साथ कुदाल और फाफड़े के साथ सुबह को कहा जाता था जब कोए आवाज़ करने लगते थे ना सूर्य ढलने तक ठीक है सुबह से जब कोई आवाज करते थे सुबह में मॉर्निंग में और जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक खेतों में काम करता रहता था और हर रोज जो कुत्ता था उनका एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स

बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता था जो डॉग था बिल्कुल भी किसी भी मतलब एनिमल्स जो भी वहां पे बगला वगैरह आता था और वो कीड़े वीड़े ढूंढता था तो उनको भी परेशानी नहीं करता था जो डॉग था और जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा मतलब दयालु भी था और इस कारण पक्षियों को भोजन भी खिलाता था जो भी बर्ड्स वहां पे होती थी उनको खाना भी वो खिला देता था वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पावर अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हैड टू सम्पॉट बिहाइंड और एक दिन क्या हुआ कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया अपने पैर को उसके पैरों पर रखते हुए और अपने सिर को हिलाते हुए आया और बूढ़े आदमी ने पहले सोचा द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थाट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉ फॉर सम मिनट्स उसके बाद जब वो, जो कुत्ता था वो उसके पास आ गया इस तरह से ठीक है पैर रखने लगा तो बूढ़े आदमी ने पहले तो सोचा कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो खेलना चाहता है ठीक है केवल प्ले कर रहा है उसके साथ और ध्यान नहीं दिया ज्यादा लेकिन कुत्ता कुछ देर तक उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा ठीक है कुछ देर तक क्या करता रहा वो विनिंग एंड रनिंग उसके चारों तरफ घूमता रहा ठीक है और उसके बाद भागता रहा फिर बूढ़ा जो था बूढ़ा आदमी जो था कुछ दूरी तक कुत्ते के पीछे गया ठीक है फिर कुत्ता भागने लगा था फ्रो फॉर सम मिनट्स और कुत्ता भागने लगा देन द ओल्ड मैन फॉलोअ द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगिन अ लिवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ वरीड वोन और बिट ऑफ फेस उसके बाद क्या हुआ उसको ये लग रहा था कि कुत्ता ऐसे मतलब ऐसे ही कर रहा है वो ऐसे ही भाग रहा है खेलना चाहता है मेरे साथ तो वो भी फिर उसके पीछे पीछे भागने लगा कि चलो मैं भी देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है ठीक है लेकिन जब वो वहां गया तो उसने देखा कि वो जो डॉग था वो कुछ कुरेदने लगा और ये सोचते हुए कि वहां कोई दबी हुई हड्डी या फिर क्या हो सकता है फिश वगैरह हो सकती है ओल्ड मैन हो इन अर्थ तो ओल्ड मैन जो था उसने क्या करा कुत्ते से मजाक करने के लिए बुरे आदमी ने अपनी कुदाल जमीन पर दे मारी हो इन द अर्थ वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा एक ऐसा लगा जैसे कि एक सोने का ढेर उसके सामने चमक रहा हो दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच और उसके बाद क्या हुआ जो ओल्ड कपल था वो बहुत ज्यादा रिच हो गया मतलब अमीर हो गए एक घंटे में ही एक घंटे में ही इतने अमीर हो गए कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ

और अपने दोस्तों को क्या दी दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को जो पुअर नेगवर्स थे उनके ठीक है उनको बहुत कुछ दिया जो भी उनको चाहिए था एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस कुत्ते को उन्होंने अपनी दयालुता से ढांक दिया मतलब उस पर इतनी दयालुता दिखाई कि ये तो हमारा बहुत ही अच्छा डॉग है और इसने इतना कुछ दे दिया वो और ज्यादा उससे प्यार करने लगे नाउ इन द सेम प्लेस मैन एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस उसी गांव में एक मतलब बहुत ज्यादा बिग्ड कपल रहता था धूर्त बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे जिन्होंने हमेशा सभी कुत्तों को जो भी उनके घर के पास भी आते थे ना तो उनको वो क्या करते थे किक कर देते थे लात मार देते थे या फटकार कर भगा देते थे और इस तरह से हियरिंग ऑफ देयर नेवर्स लक दे कॉक्स द डॉग इन टू दियर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम विट्स ऑफ फेस एंड अदर डेनिटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रिजर्व फॉर देम अब जो वो पड़ोसी अपने उनको देखा उन्होंने कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी अच्छी किस्मत के बारे में सुनने पर कि इनकी तो बहुत अच्छी किस्मत चमक गई है उन्होंने उनके कुत्ते को फुसलाकर क्या करा अपने बगीचे में बुला लिया और उसके सामने मछली के टुकड़े और बहुत सारी मतलब डिलीशियस टेस्टी थिंग जो भी थी चीज़ें थीं वो रख दी इस आशा से इस होप से कि शायद उनके लिए भी जो डॉग है वो खजाने का पता कर सके यही होप थी इनकी कि, होपिंग कि जो कुत्ता है वो उनके लिए खजाना ढूंढे बट द डॉग बी अफ्रेड ऑफ दुड नादर ईट नॉर मूव लेकिन जो कुत्ता था उसने मतलब उसको इतना डर लग रहा था वहां पर आके ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वहां से वो हिला डर की वजह से कि मैं कहाँ आ गया दे ड्रैगड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग आई स्पेड एंड हो विद और फिर वो उसे खींच कर घर से बाहर ले गए ठीक है और जल्द ही कुत्ते ने बगीचे में एक खजूर के पेड़ के नीचे नो सुनर था, उसके नीचे इन गार्डन देन ही बिगिन टू पावर एंड स्क्रैच द ग्राउंड अ माइटी ट्रीजर लेब अब उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रेच कर रहा है वहां पे तो वहां पे उन्होंने खोदना शुरू कर दिया उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे मतलब इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है तो वो इस तरह से वहां पे खोजने लगे खोदने लगे नीचे गड्ढा करने लगे क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो वो बोलने लगा कि जल्दी से मुझे कुदाल और फावड़ा दे दो ये यह यहाँ पे स्क्रैच कर रहा है मैं जल्दी से खोदू इसे क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय अब लालची जो बेवकूफ बूढ़ा था खुशी से नाचता हुआ बोला कि मुझे जल्दी से

कुछ नहीं था सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के जिसकी बदबू से उन्होंने अपनी नाक भी बंद कर ली थी इतनी स्मेल आ रही थी उससे डॉग द ओल्ड मैन एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द बॉक वाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिस्स दू कुत्ते पर गुस्सा उन्होंने इतना दिखाया कि बूढ़े आदमी ने तो उसे लात मार मार कर और पीट पीट कर मार डाला और बूढ़ी औरत ने उसका सिर जो कुदाल थी उसके हाथों उससे काट कर काम ही समाप्त कर दिया उसको मार ही डाला उन्होंने फिर क्या करा दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकासेस अब उसने एक गड्ढे में डालकर उसके शरीर पर मिट्टी भी भर दी जो वो ओल्ड बी कपल थे ना वो बहुत ज्यादा निर्दयी थे उन्होंने क्या करा दोनों ने मिलकर खजाने के लालच में दोनों ने मिलकर कुत्त, कुत्ते को मार दिया बिल्कुल एक ने पीट पीट कर मार दिया दूसरे ने उसकी गर्दन काट दी और उसके बाद उसे गड्ढे में दफना दिया उसके शरीर को गाड़ कर गड्ढा खोद कर उसके ऊपर मिट्टी भर दी पूरी तरह से और बेचारे डॉग को मार डाला द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ हैड बीन हिज ऑन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री और कुत्ते का जो मालिक था जब उसको पालतू कुत्ते की मौत के बारे में पता चला तो वो उसके लिए अपने जैसे अपना बच्चा होता है उसकी तरह शोक मनाने के लिए रात को ही उस खजूर के पेड़ के नीचे चला गया ही सेट बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स और फिर क्या हुआ जिस खजूर के नीचे वो गया था उस, उसने कुछ मतलब बांस की लकड़ियाँ वहाँ जमीन पर इकट्ठी कर ली जैसे कि एक मकबरा बना देते हैं ना उसके सामने उस तरह से और उन पर ताज़े सफ़ेद फूल भी चढ़ा दिए जो फ्लावर्स थे फ्रेश वो भी वहाँ पे चढ़ा दिए देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड वर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस और फिर उसने एक कप पानी और एक प्लेट में खाना उसकी कब पर रखा और कुछ महंगी इन सेंस मतलब बहुत ज्यादा खुशबू वाली स्टिक्स स्टिक्स को कॉस्टली जला दी अगरबत्तियां जलाई ही डियर नेम्स एज इफ ही पर अलाइव और वो बहुत देर तक अपने पालतू कुत्ते के दुख में शोक मनाते रहे और उसे अलग अलग प्यार के नामों से भी बुलाते रहे कि इसको जो भी प्यार से बोलते होंगे वो अलग-अलग नामों से उसको बुलाने लगे थे डॉग को दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माय ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस उस रात कुत्ते की आत्मा ने मतलब सपना दिया उन्हें और कहा कि मेरी कब्र वाले खजूर के पेड़ को काट दो और अपने चावल पीसने की ओखली मौरता? ओखली और अपनी फलियों का सॉस बनाने वाली चक्की बना लो जो डॉग था उसने मतलब तो डॉग की आत्मा आई थी उसने उनको बोला जो बूढ़ा कपल था बहुत ज़्यादा अच्छा जो कपल था उनके लिए सपना दिया कि तुम ये ये करो सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट टू फीट लॉन्ग अब इसलिए जो बुरा आदमी था उसने पेड़ को काटा और पेड़ के तने के बीच से दो फुट लंबा भाग काट लियालीउट आज बिग एज बहुत मेहनत से कुछ चलाकर कुछ छीलकर, उसने एक छोटे से कटोरे जितनी एक खाली जगह बनाई

ग्रेनी पोर्ट एट इंटू द मोटर जो बूढ़ी थी उसने बूढ़ी औरत ने उन्हें ओखली में डाल दिया द ओल्ड मैन लिफ्टेड हैज हिज हैमर टू पाउंड द द मास एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग अब बूढ़े आदमी ने उन्हें कूट कर आटा बनाने के लिए हथौड़ा उठाया और तेज तेज तब तक मारते रहे जब तक

ठीक है वो सोने के सिक्कों में बदल गया जब बूढ़ी औरत ने हाथ चक जो हाथ वाली चक्की थी उसको उठाई और उसमें बीन सॉस पीसने के लिए भरा सोना बारिश की तरह गिरने लगा उस दौरान क्या हुआ तभी मीनवाइल द एनवियस नेवर पीप्ड एट इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड और उस दौरान जो एनवियस एनवियस नेवर थे जलनखोर पड़ोसी

वो देख रही थी ना विंडो में से झाक रही थी तो वो चिल्लाई जैसे ही उसने सॉस की हर एक बूंद को पीले सोने में तब तक, तक बदलते देखा जब तक कुछ ही मोमेंट में जो तो कुछ क्षण थे उसमें ही जो चक्की का बर्तन था ठीक है जो टब था वो सोने से भर नहीं गया फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड और वो चिल्लाने लगी कि ये चक्की मैं उधार लूंगी मैं जरूर लूंगी इसे सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन द द नेक्स्ट डे स्टिंगी एंड बिग केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल इसलिए वो बूढ़ा जोड़ा फिर से अमीर हो गया और अगले दिन वो जो कंजूस बहुत ज़्यादा स्टिंगी एंड बिग नेगवर्ड थे कंजूस ध्रुत ध्रुत जो पड़ोसी थे बहुत ज़्यादा बिकार बिग उन्होंने मतलब क्या करा केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल उन्होंने मैजिक मिल को उनसे उधार मांगा ओखली उनकी और चक्की को उधार लेने के लिए आ गए वो दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स अब उन्होंने क्या करा फिर उधार ले गए वो फिर उन्होंने एक उबले चावल से और दूसरी बीन से उसको भर दिया ठीक है देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वेन टू ग्राइंड फिर वो बूढ़ा आदमी कूटने लगा और वो औरत पीसने लगी बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इन टू मास ऑफ वम्स लेकिन पहली चोट के बाद ही पेस्ट्री और सॉस जो थी एक बदबूदार फाउल मास ऑफ वम्स बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गई स्टिल मोर एंग्री एट दिसर वुड अब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया जो दोनों बूढ़े बिकार वाले जो कपल थे उनको बहुत गुस्सा आया उन्होंने क्या करा? चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और जलाने के लिए रख लिया कि अब हम इसको जलाएंगे सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट इन दिस वीडियो If you like this video share subscribe and don't forget to press bell icon thank you